हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बिब्लियोमेट्रिक्स के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि बिब्लियोमेट्रिक्स क्या होता है और बिब्लियोमेट्रिक्स के क्या क्या एप्लीकेशन हैं और ये इसके यूज़ कहाँ होते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिब्लियोमेट्रिक्स लॉज के बारे में बताने जा रहा हूँ और उस बिब्लियोमेट्रिक्स लॉज में आई एम गोना टू डिस्कस अबाउट लॉटकास लॉ। ओके, तो लॉटकास लॉ क्या है, ठीक, और ये कैसे काम करता है, तो इन सारी चीज़ों को मैं आज इसके वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और ये थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं, तो थोड़ा आप ध्यान से वीडियो को देखना, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको ये चीज़ें आई होप कि समझ में आ जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर लॉट का स्लो होता क्या है। तो सबसे पहले लॉट का स्लो है क्या, तो एक लॉ है। किसका लॉ है, तो बिब्लियोमेट्रिक्स का लॉ है। तो बिब्लियोमेट्रिक्स में तीन तरह के लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले लॉट का स्लो, जो कि 1926 में आया है, जिसे ऑथर्स प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। ओके, जो दूसरा है ब्रैडफोर्स लॉ है, वो 1934 में आया है, जिसे लॉ ऑफ स्कैटरिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है जिप्स लॉ है, जो 1935 में आया है या 1949 में, यानी ये यहाँ पर दो डेट है, दोनों डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप दोनों डेट को याद रख सकते हो। तो जिप्स लॉ 1935 या 1949 में आया है, जिसे वर्ड फ्रिक्वेंसी के नाम से जाना जाता है, राइट। तो इस तीनों लॉ में आज हम लोग लॉटकास लॉ के बारे में जानेंगे। तो जो लॉटकास लॉ है, ये अल्फ्रेड जे लॉटका के द्वारा दिया गया है, और ये लॉ किसके लिए है, तो ये है ऑथर्स के प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। मैंने बताया था बिब्लियोमेट्रिक्स क्या होता है, तो बिब्लियोमेट्रिक्स क्या है, मेजर करना होता है इंफॉर्मेशन को। तो लॉटकास लॉ में क्या कर रहा है कि ऑथर, कोई भी जो ऑथर है, उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए लॉटकास ने, अल्फ्रेड जे लॉटका ने एक लॉ दिया, एक इक्वेशन दिया, और उस इक्वेशन के मदद से ऑथर की प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाता है। द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी मीन्स ऑथर की जो प्रोडक्टिविटी है, साइंटिफिक जो प्रोडक्टिविटी है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की क्या फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है लॉटकास लॉ के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि लॉटकास लॉ है क्या, लॉटका ने क्या दिया था। तो लॉटका के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, द टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स वाई इन अ गिवन सब्जेक्ट इच प्रोड्यूसिंग एक्स पब्लिकेशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एन ऑफ एक्स। तो क्या इसका मीनिंग हुआ, ध्यान से समझना, कि द टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स वाई इन अ गिवन सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर वाई नंबर के टोटल ऑथर हो, यानी टोटल किसी भी सब्जेक्ट में वाई टोटल ऑथर हो, और वो वाई ऑथर प्रत्येक एक्स पब्लिकेशन पब्लिश करते हैं, यानी एक्स आर्टिकल लिखते हैं, तो ये क्या है, जो एक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी उल्टा प्रोपोर्शनल है किसके, तो पावर ऑफ एक्स टू पावर एन, यानी ये जो ऑथर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स टू द पावर एन के, ठीक है। ध्यान से समझना कि एक्स टू द पावर जो एन है, एक्स का पावर जो एन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑथर्स के, द टोटल नंबर ऑफ ऑथर वाई के, ये बोला था लॉटकास ने। यानी यहां पर देखो, एक्स टू द पावर एन, एक्स का पावर एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इनवर्सली प्रोपोर्शन आप लोगों को पता होगा, मतलब उल्टा, यानी कोई चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, अगर दूसरा चीज घटेगा तो पहला चीज बढ़ेगा, तो ये हो गया उल्टा रिलेशन। यानी इसका मतलब क्या होगा, उनका क्या कहना था कि अगर जो पब्लिकेशन है, ठीक, अगर पब्लिकेशन ज़्यादा होगा
तो उसका मतलब ऑथर्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, अगर ऑथर्स, अगर पब्लिकेशन कम होंगे तो ऑथर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब कहोगे कैसे, ठीक है, तो कैसे कि देखो कि अगर मान लो किसी भी टाइम पीरियड में अगर 100 आर्टिकल पब्लिश हुआ, ये एग्जांपल ध्यान से समझना कि अगर किसी पीरियड में मान लो 5 साल में 100 आर्टिकल पब्लिश हुए, तो वो 100 आर्टिकल पब्लिश हुए तो 110% 100 आर्टिकल को लिखने के लिए 100 ऑथर तो होंगे ही होंगे, राइट। 100 आर्टिकल लिखने के लिए, 100 आर्टिकल्स लिखने के लिए 100 ऑथर होंगे ही होंगे। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें, जिसको लिखने के लिए 2 ऑथर हो, यानी डबल ऑथर, 2 ऑथर ने मिलकर लिखा हो, या कुछ आर्टिकल्स उस 100 में से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हो सकते हैं जिसको 3 लोगों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, यानी मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 1 तो होगा ही होगा। ठीक, यानी क्या होगा, उस 100 आर्टिकल में से जो ऑथर की नंबर है, ऑथर की जो संख्या है वो 100 तो होगी, लेकिन उसके उस जो ऑथर है वो कितने आर्टिकल्स लिख रहे हैं वो आपको उससे नहीं पता चलेगा। तो उसी को पता करने के लिए, यानी कितना प्रोडक्टिविटी है ऑथर की, इसी को पता करने के लिए लॉ दिया गया। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व किया गया, x टू द पावर n इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है, तो यहाँ एक c कांस्टेंट दिया गया, मल्टीप्लाई 1/y, यहाँ से c अगर निकाला जाए तो आ जाएगा x टू द पावर n इंटू y। अगर y निकाला जाए, मीन्स नंबर ऑफ ऑथर्स निकाला जाए, टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। यहाँ पर जो x है वो नंबर ऑफ पब्लिकेशन है, y यहाँ पर है नंबर ऑफ ऑथर्स है क्रेडिटेड विथ x पब्लिकेशन, n यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि इक्वल्स टू 2 है, यानी यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो आपको 2 है, और यहाँ पर c है कांस्टेंट है, या अलग अलग फील्ड के हिसाब से ये डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर ये फार्मूला को जो यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू सी वाई एक्स टू पावर n, और n यहाँ पर क्या है, 2 है, तो एक्स टू पावर 2। ओके, अब देखो एक और एग्जाम्पल देखो, एक अज्यूम कर लो कि 100 ऑथर है और राइट एटलीस्ट 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल एटलीस्ट, एक आर्टिकल 100 ऑथर्स लिखते हैं किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पर सी का वैल्यू 100 हो गया और एन का हमको पता है एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। देन द नंबर ऑफ ऑथर्स राइटिंग पोर्शन ऑफ एनी पार्टिकुलर आर्टिकल्स इन दैट टाइम पीरियड इज डिस्क्राइब एज इन द फॉलोइंग थिंग। तो यहाँ देखो कि जो आर्टिकल लिखा जा रहा है, एक आर्टिकल हो, 2 आर्टिकल हो, 3 आर्टिकल हो, 4 आर्टिकल हो, तो उस आर्टिकल में अलग अलग पोर्शन हो सकता है कि जो सिंगल ऑथर है वो पूरा आर्टिकल लिखो, या दो लोग मिलकर लिखा है तो कुछ पोर्शन किसी और ऑथर ने लिखा है, कुछ पोर्शन किसी और ऑथर ने लिखा है, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्शन दिया हुआ एक जगह है और यहाँ पर कैलकुलेट किया गया, इसी फार्मूला से कैलकुलेट किया गया कि इतने ऑथर उसमें होंगे। अगर मान लो कोई आर्टिकल का 10 पोर्शन है, ठीक, तब इसमें सॉल्व किया जाए इस फार्मूला से, y इज इक्वल टू, y मतलब क्या निकलेगा हमारा, नंबर ऑफ ऑथर्स निकलेगा। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, c बाय x टू पावर 2, तो यहाँ पर c कितना है, 100 हो गया, बाय x का मतलब क्या होगा, ठीक है, पोर्शन पब्लिकेशन कितना आर्टिकल है, तो यहाँ 10 हो गया, 10 पोर्शन है, 10 टू पावर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 100 बाय 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, यानी 10 पोर्शन ऑफ आर्टिकल लिखने के लिए एक ऑथर होंगे। उसी तरह 9 होंगे तो 9 के लिए निकाला गया, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, 100 बाय 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.23 आ जाएगा, ये लगभग 1 के बराबर होगा। ओके, ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही है, 1.23। उसी तरह 8 का निकाला जाए, 100 बाय 8 का स्क्वायर, 1.56 आएगा, ये लगभग 2 के बराबर होगा। इसी तरह 7 का निकाला जाए, 2 के बराबर, 6 का 3 के बराबर, 5 का 4 के बराबर, 4 का 6, 3, 11 और 2 का 25, 1 का 100, यानी एक जो ऑथर है, एटलीस्ट एक ऑथर 100 में से 100 जो एक आर्टिकल है वो 100 ऑथर है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक ना, यानी जितना पोर्शन है, एक पोर्शन वो पूरा 100 वो लिखेंगे, यानी y इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो सी वाई सी 100 है, और पब्लिक x टू पावर हो जाएगा 1 टू पावर 2,
वन इज इक्वल टू 100, यानी जो ऑथर है एटलीस्ट एक आर्टिकल तो लिखेगा ही लिखेगा, राइट। तो यहाँ से ये निकाल लिया गया प्रोडक्टिविटी, ऑथर्स की प्रोडक्टिविटी क्या है वो यहाँ से पता चल जाती है, ठीक है। और यहाँ से एवरेज भी निकाला जा सकता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ जितने भी आर्टिकल्स पोर्शन है यहाँ से आप यहाँ से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लो, यहाँ निकाल सकते हो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और यहाँ से जो ऑथर्स है सबको आप ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज पता चल जाएगा कि एवरेज कितना ऑथर्स हैं, ठीक, कितने आर्टिकल्स कितने ऑथर्स एवरेज लिख रहे हैं, तो ये यहाँ से ये पता चल जाता है, ओके। तो ये है, और यहाँ पे एक ग्राफ है, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ से और ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखो ये जो नीचे एक्स एक्सिस पर है यहाँ पर पेपर रिटर्न से कितना पेपर नंबर ऑफ पेपर्स है, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑथर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जीरो है, यहाँ पर जाता है जीरो, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ देखो यहाँ जीरो और टू है, ठीक है, जीरो टू के बीच में यहाँ पर वन होगा, ठीक, यानी वन, यानी एक पेपर जो लिखने वाले ऑथर्स की जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी 100% की, यानी 100 आर्टिकल है तो एटलीस्ट 100 यानी हर एक ऑथर उसको लिखेगा ही लिखेगा, ओके। कैसे दो होगा तो वो कम जाएगा, 4 है कमता चला जाएगा, 10 है यानी कम जाएगा, यानी जो 10 आर्टिकल्स लिखने वाली ऑथर्स की संख्या है वो कम होगी, ठीक। अपने लाइफ में जितने भी ऑथर्स हैं एटलीस्ट एक आर्टिकल तो ज़रूर लिखेंगे, लेकिन ज़्यादा आर्टिकल लिखेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ज़्यादा आर्टिकल्स लिखें, कोई 50 लिख सकता है, कोई 100 लिख सकता है, कोई 200 लिख सकता है, कोई एक भी लिख सकता है ना। तो इस तरह से ये निकाल, यानी जितना ज़्यादा नंबर होगा आर्टिकल का, जितना ज़्यादा पब्लिकेशन होगा ऑथर्स कम होंगे, ऑथर्स कम हैं इस आर्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन बताया गया है लॉटकास्ट लॉ के द्वारा। आई होप कि ये आपको लॉटकास्ट लॉ समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना या फिर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।